नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। कल्पना करिए कि रात का टाइम है और आप अपने कमरे में बैठे हो और अचानक से लाइट चली जाती है और आपके पास न फोन है न कोई चीज है जो आपको रोशनी दे सके और आपको आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा। सबसे पहले क्या करोगे? आप घर के मेन डोर तक जाओगे। घर के मेन डोर जाने तक आपके रास्ते में कई सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कई दीवारें आएंगी, वो आपको कितनी परेशान करेंगी और आपको इतना कम सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा। सोचिए, ये तो सिर्फ एक कल्पना है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे करोड़ों विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स की, जो दुनिया भर में ऐसी समस्या एवरी डे फेस कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। मैं हनी बागचंदानी अहमदाबाद से हमारी कंपनी टॉर्चिट के जरिए ऐसा सारथी डिवाइस आविष्कार किया है जो ब्लाइंड पर्सन के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल आएगा तो वो उसको गाइड करेगा थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा विद ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो आपको पता चल जाएगा किससे उसको गाइड करता है हमारा डिवाइस। क्या मैं बुला सकता हूँ? श्योर हनी, गो अहेड। ये सुनिए, ये दुनिया का 99.7% एक्यूरेट डिवाइस है और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट के ये सबसे अफोर्डेबल भी है। वेरी गुड, वेरी वेल डन, थैंक यू, एक्सीलेंट। हमारा विजन ये है कि हम करोड़ों विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को दुनिया भर में ऐसे प्रोडक्ट्स के थ्रू इम्पैक्ट करें और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जैसे कि वो अपनी लाइफ को ज्यादा इम्पैक्टफुल और ज्यादा आसानी से जी सके। थैंक यू सुनील जी। सो शार्क्स, मैं आज यहाँ पर आया हूँ आपसे 75 लाख मांगने, उसके बदले मैं आपको देना चाहूंगा 1% हमारी कंपनी का इक्विटी। चकरा दिया। वाओ, तो ऐसा प्रोडक्ट वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया अभी तक। सर है ना? अच्छा, बट देट आर नॉट देट एक्यूरेट। अपार्ट फ्रॉम एक्यूरेसी द मेन थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। इसका 1500 से 2000 रेंज में होगा और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 7000 में मिलते हैं। एक्यूरेसी तो, क्यों नहीं है पहले उसके बारे में बात करते हैं। आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है जिसको ये इतना एक्यूरेट बना देता है कि और कोई नहीं बना सकता? एग्जैक्टली सर, वी आर यूजिंग सोनार। सोनार, या एंड हमारा एल्गोरिदम्स हैं जिनको हमने पेटेंट किया हुआ है एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 99.7% लेबोरेटरी टेस्टेड एक्यूरेसी। सोनार टेक्नोलॉजी क्या होता है जरा समझाएंगे आप? सोनार टेक्नोलॉजी शार्क्स यूज करते हैं। शार्क्स यूज करते हैं और हमें नहीं पता ये वाले शार्क्स ये वाले या रियल वाले? रियल वाले। आप भी रियल वाले हो सर। अच्छा, फिर भी थोड़ा कंसेप्चुअली समझा दीजिए। एक्जेक्टली, तो सोनार इज द ऑडियो वेव्स। अच्छा, दे आर सेंडिंग अल्ट्रा सोनार रेडिएशन एंड इफ देयर इज ऑब्जेक्ट इट विल रिफ्लेक्ट बाउंस एंड बाउंस बैक एंड वो सब कुछ होता है साउंड की स्पीड पे। सो दिस इज सोनार। तो आपने बोला इन वर्ल्ड कितनी पॉपुलेशन है जो आपने 7 करोड़? ये एक बार अगर कोई खरीद लेगा फिर से तो खरीदेगा नहीं ना? जी सर। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं 7 करोड़ में, आपके हिसाब से कितने लोग खरीद लेंगे? 7 करोड़ को अगर आप मार्केट स्टैंडर्ड भी पकड़ेंगे तो 70 लाख लोग खरीदेंगे। आपके हिसाब से 10% मार्केट शेयर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको कुछ और बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, उसके लिए हम नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसका R&D चल रहा है, अल्फा वर्जन रेडी हो चुका है। ज्योति नाम है प्रोडक्ट का। ज्योति एक स्मार्ट वेयरेबल ग्लास होगा जो उसमें कैमरा लगा होगा एंड उसका प्रोसेसिंग मोबाइल में होगा। सामने पर्सन बैठा है, कितने फीट की डिस्टेंस पे बैठा है, कितने मीटर के बैठा है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को आइडिया मिल जाएगा कान में। I now know what's around me. A white car is approaching towards you. I know about the people around me. A man aged around 50 is walking with a dog. He seems happy. I can navigate independently and go anywhere. There is a space to walk straight and right. I never thought I will read Kannada newspaper again. Jithu and Hina pair got gold medal. Wonderful. Very different. It is a 500 rupee note. Fabulous. Very, very nice. Good man. Great talk work. To you. Thank you, Shah. ये game changer हो सकती है, हाँ? Yes, sir. और ये ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया? बहुत सारे हैं, sir. ये भी आए हैं जो हाँ. जैसे product. बट उनकी प्राइस इंडिया मार्केट के लिए 3 लाख से चालू होते हैं 7-10 लाख तक। और आपका क्या चांस है? आपका क्या हमारा 8000 से लेके 12000, एवरेज 10000। वाओ वाओ। और आप ये बेचते कहाँ पे?
डायरेक्ट कंज्यूमर जो ब्लाइंड पर्सन खरीदते हैं, बट इट इज वेरी स्मॉल नंबर, बट विच इज ग्रेट नंबर कि वो अपने जेब से पैसे निकाल के हमको देते हैं. एनजीओ जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं वो बहुत हमारे सबसे ज्यादा बिजनेस वहां से आता है, वो ही हमको डिमांड देते हैं कि हमको क्या परसेंटेज आता है वहां से. मोर देन 40%. ओके अनी जी, आपका सेल्स बताइए. 2020 और 21 का ऑफ कोर्स कोविड की वजह से हमारा टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना हमने सोचा था, बट वी अचीव्ड 1 crore 10 lakhs और उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकला है कुछ 28 से 30 lakh. और हमारा अभी तक 1 April 2021 से लेके अब तक हमारा ऑलरेडी 2 crore 60 lakh का बिजनेस हो चुका है. Well done. Very good number. Yes. Yes. Very surprised. और मुझे बता दे, खुशी हो रही है कि हमको 2 महीने पहले ही 1 lakh पीस का एक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मिला है. 1 lakh पीस का. Yes. Wow. वर्थ अमाउंट 18 crore 60 lakh. कौन बाय कर रहा है, गवर्नमेंट, एनजीओस के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन? प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो अपने एनजीओ के थ्रू बाय कर रहे हैं. दो रेवेन्यू स्ट्रीम है आपके, एक है डायरेक्ट कंज्यूमर जो खरीदता है और दूसरा है सब्सिडाइज्ड एनजीओ सपोर्टेड गवर्नमेंट एड, कुछ भी समझ लीजिए. एग्जैक्टली. डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स बताइए लास्ट मंथ. 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक हो जाता है. उसके अलावा डायरेक्ट सेल्स अगर हम गिने तो हमारे पास 30 डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे इंडिया में, वहां से हमारा सेल्स आता है 4 से 7 lakh रुपए, वो वेरी करता रहता है. और हमारे ऐसे 11 और डिस्ट्रीब्यूटर से अफ्रीका रीजन में, और एवरी मंथ वी आर गेटिंग मोर देन 16 lakhs to 20 lakhs का ऑर्डर फ्रॉम. हनी जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपका पूरा मॉडल समझ में आ गया और बहुत ही अच्छा लगा, पर एक चीज मुझे कब से खटक रही है और वो है आपका वैल्यूएशन. क्या आपके पास एक प्रायर इन्वेस्टमेंट हो चुका है जिसके बेसिस पे आप ये इतना हाई वैल्यूएशन मांग रहे हैं? जी शाक, मेरा जब रेवेन्यू 2 crore था 2019 में अक्टूबर में, तब हमने 50 lakh रेस किया था एक एंजल इन्वेस्टर से 2.5% स्टेक पे, जो वैल्यूएशन को हुआ 20 crore. उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई बिग ऑर्डर नहीं था, और अभी हम नेक्स्ट 3 साल के अंदर 10 lakh लोगों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के थ्रू. आपने अभी तक सिर्फ ये क्रैक किया है कि उसको कम कॉस्ट पे कैसे बनाना कंपेयर्ड टू अदर डिवाइसेस, और वो भी करने लगेंगे मुझे ऐसा लगता है. क्या आप सहमत हो बात से कि आपकी कोई और आर्ग्यूमेंट है? हमारा एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जो 70% वेटेज है हमारे 30% टैक्स से ज्यादा. वो क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग है ना, वो विजुअल इम्पेयर्ड बंदा दूसरे विजुअल इम्पेयर्ड यूजर को देता है. हमारे पास 500 से ज्यादा विजुअल इम्पेयर्ड ट्रेनर्स हैं अक्रॉस इंडिया जो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं. आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं ट्रेनर्स के थ्रू, एंड दैट इज योर प्राइमरी बिजनेस मॉडल, जिससे आप सस्ते दाम में ये डिवाइस लोगों तक पहुंचा सके. Yes. ये जो बिजनेस डेवलपमेंट वाला चैनल है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशंस लेके ग्रो करना, वो एज अ शार्क मुझे नहीं रिलेटेबल लगता, क्योंकि मुझे लगता है उसमें काफी सारा कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से वो फंडिंग लेने में. सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. तो हनी जी, मैंने और अमन ने थोड़ी बातचीत की, हमें लगता है कि आपके हित के लिए आपको ऑनेस्टली इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, और ये पैसे की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आप प्रॉफिटेबल है, आपके पास 18 क्रॉस का ऑर्डर है, आप सोलो जाके गवर्नमेंट से ये लेंगे तो इतने जल्दी और इतने आसानी से आप अपनी इक्विटी देना हमें नहीं लगा वॉज द राइट थिंग. करेक्ट अमन? या एंड इक्विटी और डेट आपको दोनों दे सकते थे. हमने सोचा कि डेट का मिक्स कर देते हैं कि थोड़ा सा डेट हो जाएगा, वापस दे दोगे, और आपको मेरे हिसाब से जरूरत नहीं. तो आप ऑफर कर रहे हो? नो, नहीं. यू नॉट. चलो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ. जी, आपको 75 lakhs चाहिए थे. यस. तो आपका जो बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज ओनली द डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस, वो करीब 20 lakh रुपये का है मंथली. यस, अप्रोक्सीमेटली. जी, तो 2.5 crore रुपया हो गया आपका साल का सेल. हाँ, अगर मैं जेनरसली भी आपको ऑफर करता हूँ ना, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर मी टू रीच योर वैल्यूएशन. लेकिन आपने पहले पैसे लिए हुए हैं 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे. जी, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 50 lakh रुपए देता हूँ फॉर द सेम 2.5% एज योर लास्ट इन्वेस्टर, राइट, और 25 lakh रुपए का लोन देता हूँ. और मैं तो एक्चुअली उतना भी नहीं देता आपको, क्योंकि आपकी कंज्यूमर सेल सिर्फ 20 lakh रुपए मैंने की जो आप बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्लोर सेट कर दिया है पहले पैसे उठाकर, इसलिए आई एम बीइंग गुड. और जिस प्रकार का
काम आप कर रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं ये ऑफर कर रहा हूँ। मैं आउट हूँ। मैं आपको 75 लाख के लिए 25% कम नहीं मांगता और उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं आउट। थैंक यू सर। तो आपके पास एक ऑफर है अभी, ले लो। सर 50 लाख 1% और 25 लाख आप डेट पे दे सकते हो। नहीं, माय ऑफर इज नॉन नेगोशिएबल। सॉरी शख्स, आई कैन नॉट। वेरी गुड कॉल, कन्विक्शन चाहिए ऐसी कॉल लेने। वी रिस्पेक्ट योर कन्विक्शन। और मैं पता है खुश हूं हमने नहीं लिया। थैंक यू। या यार आपको तकलीफ क्या हो रही है मेरी डील से? हम चाहते थे कि वो पैसे ना ले। मैं चाहता था ना ले। डील तो डील है, डील तो डील है, डील तो डील है, इसलिए हमने नहीं दिए उनको। यार गलत सीट्स पे बैठे हुए हैं। बट यू केम टू द राइट फोरम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड जॉब। Wow, he didn't even need to think. Yeah. He was very clear. Clear. What conviction? Our deal. No. करा उसके बाद बोला। You know, our offer was worse than yours. He wouldn't have accepted us. No, no. आप जो देते ना, आप फार्मा हो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन आती है। He would have taken your offer. Because of the pharma thing. Yes, yes.